Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I am going to share with you so many products जो recently मैंने Nykaa के sale से purchase किए हैं and चलो video को start करते हैं. बहुत सारे products अभी भी आने बाकी हैं but I don't know वो for what reason ship ही नहीं हो रहे हैं. Like they are preparing my parcel, that is only but I can see on Nykaa's app. तो I thought क्यों ना मैं वो products share करूं जो already मेरे पास deliver हो चुके हैं and चलो start करते हैं. Okay जी, सबसे पहले किसके साथ start करूंगी मैं, जो Foxtail के products मैंने purchase किए like combo में, उन्हीं के साथ start करते हैं. कुत्तों का भौंकना तो is must in my video, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूं. तो सबसे पहले तो भाई फॉक्सटेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे साथ मेरे पास, ठीक है. दिस इज इन द लाइमलाइट सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर, विजिबली रिड्यूसेस पिगमेंटेशन, एनहांस स्किन रेडियंस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये ऑलरेडी मैंने आज यूज किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस मॉइस्चराइजर. दिस इज वॉट आई हैव अंडरनीथ माई मेकअप. ये एक स्ट्रोब क्रीम के जैसे भी काम करता है. आई रियली डिड नॉट नो दैट. ठीक है, तो मैंने जब इसको अप्लाई किया ना, जब मैंने मेकअप ना शुरू कर रही थी, एंड आई वाज लाइक, जब मैंने इसको ब्लेंड आउट किया एंड मैं मिरर में देख रही थी, आई वाज लाइक मैंने कोई गोल्डन कलर का कुछ लगाया नहीं है, कोई स्ट्रोब क्रीम. तो देन आई रियलाइज कि ये स्ट्रोब क्रीम का जो इफेक्ट है दैट इज विद दिस, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चराइजर. ठीक है, तो इसको तो मैंने यूज कर लिया है एंड आई कैन से दैट कि आई एब्सोल्युटली लव दिस, बिकॉज कोई ग्रीजीनेस नहीं था, बहुत हैवी नहीं फील हो रहा था मेरी स्किन के ऊपर, बहुत ही लाइट वेट सा मॉइस्चराइजर है ये. अगर अभी के अकॉर्डिंगली बात की जाए, बिकॉज अभी विंटर सीजन है तो भी कोई मॉइस्चराइजर, वैसे भी मेरी स्किन पता नहीं एक्स्ट्रा ड्राई क्यों हो रही है, तो मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से गया ये आज ये वाला मॉइस्चराइजर. एंड सेकंड प्रोडक्ट जो है मेरे पास फॉक्सटेल से, विच इज दिस ग्लो सनस्क्रीन. दिस इज गोल्डन आर सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही वायरल है उनका. दिस इज SPF 50 PA, दिस हैज SPF 50 PA प्लस 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 प्लस, फोर प्लसेज है. प्रिवेंट्स टैन एंड बूस्ट ग्लो विटामिन सी प्लस नायासिनामाइड के साथ, ठीक है. अगेन विटामिन सी एंड नायासिनामाइड, सो दैट्स ग्रेट. आई मीन स्किन केयर जो है फुल ऑन पैक्ड विद विटामिन सी, पेप्टाइड्स एंड वॉट नॉट, नायसिनामाइड. नायसिनामाइड विटामिन सी मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जाते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है. एक्चुअली ये जो इंडिविजुअली है ना, ये रिटेल करता है कुछ 349 का, वैसे भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है ये, ठीक है. और मॉइस्चराइजर 445 का, बट मैंने ये कॉम्बो कुछ 800-900 या 1100 में लिया था, जिसमें आई गेस मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं इनके, और सभी के सभी वायरल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है. एंड वो होता है ना एक फोमो सा होता है कि हाई काश मैं ट्राई कर लेती, तो वही वाला लाइक जब ये कॉम्बो देखा मैंने, जब प्रोडक्ट्स देखे इस कॉम्बो में, तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी ग्रैब दिस कॉम्बो. बहुत सस्ता भी मिल रहा है और सभी वायरल प्रोडक्ट भी है. सबसे पहले मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ. ये एयरलेस पंप के साथ आता है सबसे पहले तो ये मॉइस्चराइजर, विच इज इन द लाइमलाइट सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर. लेट मी ब्लेंड दिस. सी यू कैन क्लियरली सी दैट गोल्डन, यू नो, सॉर्ट ऑफ इफेक्ट लाइक स्ट्रोब क्रीम, बट विच इज वेरी वेरी सटल. दिस हैज माइल्ड फ्रेग्रेंस विच इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सी वेरी वेरी माइल्ड सॉर्ट ऑफ ग्लो, बट एब्सोल्युटली लव दिस, यू नो. आई रियली रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर. फॉक्सटेल के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पास में ट्राई किए हैं, लाइक इनका रेटिनॉल मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज मैंने जितनी बार उसको अप्लाई करने की कोशिश की, लाइक जितनी बार ट्राई की उतनी बार मेरी स्किन ने बहुत भयंकर ब्रेकआउट किया है. सो ये मुझे अच्छा लगा. अभी ब्रेकआउट करेगी मेरी स्किन या नहीं तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है. फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे मेरा काफी अच्छा है. नाउ लेट्स ट्राई दिस गोल्डन आर ग्लो सनस्क्रीन. लेट्स सी हाउ इट ब्लेंड्स आउट. लेट्स सी इंस्टेंट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट. इट्स वेरी लाइट वेट. सी कोई वाइट कास्ट नहीं है, बिकॉज मेरे जो हैंड्स हैं प्रॉबेबली ज्यादा डार्क है, यू नो, मेरी फेस से. सो या सी हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड यू नो इट हैज दैट मॉइस्चराइजेशन वाला इफेक्ट. नहीं वो आई कांट टेल, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपने हैंड्स के ऊपर ये शीयर बटर वाला मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और ऊपर से मैंने ये वाला मॉइस्चराइजर भी लगाया था, ठीक है. बट या फेस के ऊपर कैसे ये काम करता है वो मैं आपको ना लाइक रील शॉर्ट्स में दिखा दूंगी. दिस स्मेल सो गुड. ठीक है, तो ये हो गए दो प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉक्सटेल अभी के लिए. नेक्स्ट इज देयर फॉक्सटेल का डेली डू इट हाइड्रेटिंग क्लेंजर. क्लेंजेस डीपली, रिमूव्स मेकअप, सोडियम हाइलुरोनेट
प्लस रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट, ये तो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना ही था। आई नीड वन प्रोडक्ट जो मेरे मेकअप को भी रिमूव कर दे, मेरी स्किन को भी क्लेंस कर दे, स्पेशली रात के टाइम पे। अभी सर्दियों में तो मुंह धोने का वैसे दिल नहीं करता, बट अगर ऐसा एक प्रोडक्ट मिल जाए जो दोनों ही काम कर दे, आई मीन इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रोडक्ट, और मैंने इसके काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज चेक किए हैं ऑनलाइन। तो चलो लेट्स सी ये कैसे काम करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एलिफेंट इन द रूम विच इज लाइक देयर वायरल, वेरी मच वायरल प्रोडक्ट, पर्पल क्ले मास्क। भाई मतलब इतनी एड आती है, और समटाइम्स तो आई गेट सो इरिटेटेड जब मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ भी देखती हूँ, तो वो एड लाइक ओरी ने भी ट्राई किया, मेरा भी ये ट्राई किया, ओरी ने भी ट्राई किया, मैंने भी ये ट्राई किया, आई मीन आई गेट सो इरिटेटेड बाई दैट यू नो वीडियो। मुझे बहुत लाइक एकदम जो पुश्ड वाले होते हैं ना प्रोडक्ट्स, जो आपको मतलब मजबूर कर देते, मैंने सच में नहीं लेना था ये, लाइक इंडिविजुअली सिर्फ ये कॉम्बो में आ रहा था, दैट आई वॉज लाइक ओके वाई नॉट, लेट्स ट्राई दैट। ठीक है, सो दिस इज द स्टनर स्किन रेडियंस मास्क, क्लेंस पोर्स एंड रिड्यूस ब्लैक हेड्स, इम्प्रूव द स्किन क्लैरिटी एंड टोन। ब्राजीलियन पर्पल क्ले है इसमें, कावलिन क्ले है, लैक्टिक एसिड है, एंड दिस इज देयर वेरी मच वायरल पर्पल क्ले मास्क, एंड इट रिटेल्स फॉर 545 इंडिविजुअली। ठीक है, बट कॉम्बो में तो आई गेस अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिल गया, यू कैन सी। ठीक है, आई मस्ट से आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये पर्पल क्ले मास्क, बट मैंने सुना है कि इसमें भयंकर वाली फ्रेग्रेंस है, लेट सी। ओके, इट्स लेजिट पर्पल, सी कितना सुंदर कलर है, लाइक बाहर डार्क पर्पल अंदर की तरफ लेवेंडर। ओके, मुझे कोई इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस अभी तो नहीं, लाइक आई कांट स्निफ दैट, आई कांट टेल यू। ओके, इसको मैं ट्राई करूंगी तब बताऊंगी कि ये कैसे स्किन के ऊपर काम करता है, बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन, और मैं भी ऐसी लाइक वीडियो बनाऊंगी। ओ माय गॉड, ओरी हैज ट्राइड दिस एंड ओरी लव दिस। ओके जी, उसके बाद इनका ये लास्ट प्रोडक्ट है फॉक्सटेल का, विच इज देयर ग्लेज्ड लिप बाम, विच इज ब्राइटनिंग लिप बाम। दिस स्मेल सो ब्यूटिफुल, सो यमी, बिकॉज इट्स इन द वेरियंट वनीला, आई लव वनीला। दिस हैज SPF 30, पेप्टाइड्स, विटामिन सी, हाइलोरोनिक एसिड, माइक्रोफर्स, क्लियर ग्लेज शेड में है। आई एक्चुअली लव दिस बिकॉज मैंने एक दो बार इसको यूज किया है आज ही, सी इट्स इन द शेड क्लियर। This smells so delicious. तो ये थे मेरे 5 प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं फॉक्सटेल के कॉम्बो में, मुझे मिले हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हॉल को। तो अभी क्या मैं बक बक किस वजह से कर रही थी, हॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो आई हैव दिस एल्फ का सॉफ्ट ग्लैम सेटिंग फाउंडेशन, मीडियम बिल्डेबल कवरेज, लॉन्ग लास्टिंग, 1% हाइड्रेटिंग हिबिस्कस कॉम्प्लेक्स के साथ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी। ठीक है, ये मैंने आज लगाया हुआ है, रिव्यू आप लोगों को अलग से वीडियो चेक करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस वीडियो में। ठीक है, ये रिटेल करता है 1050 का, बट ऑफ कोर्स मैंने बाय वन गेट वन के ऑफर पे ही लिया है इसको। या आई एम इन द शेड मीडियम वार्म। ठीक है, सो दिस आउट लुक्स लाइक, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एल्फ से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट्स जो बहुत सारे मैंने लिए हैं एल्फ से। उनका ये कैमो लिक्विड ब्लश, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एक्चुअली इनके सारों की ना पैकेजिंग वगैरह मैंने अनबॉक्स कर लिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूज़ किया था। सो ये भी बहुत सुंदर ब्लश लगा मुझे। सो आपको ना इन ट्यूटोरियल अगर आप देख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सी इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत प्यारा लगा सी। ठीक है, तो दिस गिव्स यू दैट यू नो रेडियंट ग्लो, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ड्यूई सॉर्ट ऑफ ब्लश। So this is long lasting color and dew finish, and yeah, this retails for 950. राउंडेड ग्रूव्ड एप्लीकेटर है इसका। इट सी दिस इज द शेड, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल सा पिंक शेड। आई डोंट थिंक मेरे पास ये वाला पिंक शेड का यू नो ब्लश है। सी दिस हैज दिस काइंड ऑफ फिनिश, इट्स वेरी ड्यूई, वेरी रेडियंट सा एक ब्लश। इट्स नाइस, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, यू कैन बिल्ड दिस ब्लश। मैंने आज इसको बिल्डअप भी किया था ऊपर से, पाउडर के ऊपर से भी, तो बहुत सुंदर लगा ये। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये वॉन्ड्स लाइक कुशन टिप
वाले ये वॉन्ड्स, यू कैन सी एक में मैंने एक कॉन्टोर लिया है, एक मैंने ब्लश वॉन्ड लिया है. दिस इज देयर हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड एल्फ का. ये कॉन्टोर है इन द शेड टैन एंड दिस इज इन द शेड बेरी रेडियंट, यू कैन सी. ठीक है, ये हो गए दो प्रोडक्ट्स एल्फ से. लाइक ये सेम जैसे शार्लेट लिब्री का आता है ऐसे कुशन टिप एप्लीकेटर, हमारे पास अब टिप्सी में भी है. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट. सी आई मीन ऑलरेडी ब्लश ब्लाइंडनेस चल रही है मेरे फेस के ऊपर. द ओनली प्रॉब्लम विद दीज ब्लशेज आर लाइक यू कैन सी, देखो ये कितना मेसी सी मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी पैकेजिंग है. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम. I am not really happy with these kind of, you know, cushion packaging. Instead of these, I would say आप ये वाला try कर लो. ठीक है, अगर आपको करना ही है तो you can try, but I don't really like the product भी इतना ज़्यादा. मुझे ये camo वाला ज़्यादा अच्छा लगा, but packaging wise it's like a very pass on sort of product. मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया ये. और क्या क्या है मेरे पास एल्फ का. एल्फ का मेरे पास ये ग्लॉस बॉस सन बॉस ग्लॉस ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 25 के साथ, विच इज गुड, बट द शेड इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. दिस इज इन द शेड पिंकी गर्ल, पिंक मी गर्ल. ठीक है, बट आपको क्या है, इट्स अ वेरी थिक सॉर्ट ऑफ यू नो ग्लॉस. तो आकर ना बहुत बार लेना पड़ता है एंड इसको बिल्डअप करना पड़ता है. एंड I have realized कि ये ना थोड़ा सा thick formula है इसका. See, when you apply this ना, even जब आप बिल्डअप करते हो, it's a little bit heavy sort of gloss boss. The shade is pretty, but it's very very, you know, it's very heavy sort of gloss. So ठीक है, now let's talk about mascaras. First one is from Elf. तो Elf का मैंने ये repurchase किया है Big Mood mascara just because of buy one get one वाला offer. ठीक है, इस बार मैंने ये वाला लिया. इससे पहले मेरे पास है वो I think waterproof है या water resistant है. This is like waterproof वाला because आज इसको मैंने use किया है. Yeah, this is waterproof mascara. Volumize, lifts and separates off for bold lashes. Big Mood mascara. But इसके साथ क्या है, because the formula is very very you know liquidy and that's why आज मुझे इतना ज़्यादा इसके साथ result नहीं मिला. आगे जाके थोड़ा सा जब ये formula इसका dry हो जाएगा तब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा. ठीक है, but आज मैं बहुत ही ज़्यादा जो impress होगी again repurchase जो मैंने किया है Maybelline का sky high mascara. ठीक है, ये वाला मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फोमो हो रहा था कि मेरे पास ये ब्लैक वाला पैकेजिंग क्यों नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ओनली अ गर्ल थिंग, अदरवाइज तो कोई ऐसा नहीं है. सो दिस इज लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा फ्रॉम Maybelline जो मैंने रीपरचेज किया है, विच आई हैव ऑन माय लैशेस टुडे. उसके बाद हम बात करेंगे विच आई हैव ऑन माई ब्राउज, विच इज दिस टैटू ब्राउ आईब्रो पेंसिल. दिस इज लाइक सो गुड, मुझे पहली बार में बहुत अच्छी लगी बिकॉज मैंने बड़ी फास्ट फास्ट इसके साथ अपने आईब्रोज को फिल किया एंड अभी कुछ दो ढाई घंटे आराम से हो चुके. मैंने थोड़ा बहुत ट्रेवल भी किया है अभी इस मेकअप को लगा के, यू नो अच्छा खासा मेकअप अभी तक मेरा चल रहा है. इवन क्योंकि जो आईब्रो प्रोडक्ट अगर मैं कुछ भी अपने आईब्रोज में लगाती हूँ तो क्या होता है पता नहीं क्यों, या तो फोरहेड हमारा थोड़ा सा यू नो गर्म रहता है, पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, तो मेरा फोरहेड थोड़ा सा ऐसे वार्म रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है. तो मेरे ना प्रोडक्ट जो है अगर मैं पाउडर के साथ तो अपने आईब्रोज को फिल करूँ तब तो चल जाता है, अगर मैं किसी पेंसिल के साथ आईब्रोज को फिल करती हूँ तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होने शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों. बट आई कैन क्लियरली सी कि जो जैसे मैंने फिल किया था, जहां पे मैंने सेटल किया था अपने आईब्रोज को, क्लियरली आई कैन सी दैट कि वो बहुत अच्छे से वैसे का वैसे ही है. सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. सो या दो ढाई घंटे का अगर रिव्यू बाद भी अगर मेरे आईब्रोज बिल्कुल अपनी जगह पे अच्छे से हैं, दैट मीन्स इट्स अ गुड वेरी नाइस प्रोडक्ट, गुड नाइस प्रोडक्ट. या उसके बाद मैंने लिया है जो मैंने आईज के ऊपर लगाया है, विच इज दिस टैटू स्टूडियो जेल पेंसिल लाइनर क्रियॉन जेल. मुझे ये कलर बहुत पसंद है. ठीक है, मेरे पास पता नहीं मल्टीपल है इस तरह के कलर की, शुगर से भी है, बहुत अच्छी शुगर की है
मार्स की भी है, बहुत ही ब्लू सा है वो, इलेक्ट्रिक ब्लू, बट दिस इज वेरी ब्यूटिफुल ब्लू सॉर्ट ऑफ काजल टैटू वाला, ठीक है, जो इनकी रेंज है, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल सी टील ब्लू सा शेड है सी, ठीक है। तो इसमें ना ग्लिटर भी है, इट हैज, तो मैंने जब ब्लेंड किया ना बहुत सुंदर ग्लिटर आया मेरी आईलिड्स के ऊपर। तो ये ना जो मेबलिन के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मैंने रीपरचेज ही काइंड ऑफ किए हैं, और क्योंकि मुझे NYX का ये सेटिंग स्प्रे और NYX का ये काजल कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था, तो इस वजह से आई वॉज लाइक ओके, लाइक मेबलिन के साथ ही ऑफर था। तो ये ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे मुझे मिल गया, जो कि अकेला ही रिटेल करता है 899 का, तो आई वॉज लाइक ओके आई एम गेटिंग दिस सेटिंग स्प्रे विद ऑल ऑफ दीज। उसके बाद मैंने ये रीपरचेज किया है दोबारा से मेबलिन का लाइट मीडियम शेड में फिटमी का ये पाउडर, लूज पाउडर। मुझे ना मेरा जो पहले वाला था वो 25 मीडियम शेड में था, बट आई रियली वॉन्ट टू यूज दिस शेड जो आज मैंने अप्लाई किया है 20 लाइट में, लाइट मीडियम में, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने लिया बिकॉज इट्स लाइक एग्जैक्ट हाई लाइटिंग सॉर्ट ऑफ अंडराइज वाला पाउडर जो मुझे चाहिए था। मेरे पास वो जो मेबलिन का पहले वाला बहुत ही यू नो डार्क हो जाता है मेरी स्किन के ऊपर, वो अच्छे से नहीं जाता, आई गेस उसका जो अंडरटोन है वो मेरी स्किन टोन के लिए नहीं है। सो लाइट मीडियम इज लाइक परफेक्ट फॉर माई अंडरटोन। सो ये मैंने रीपरचेज किया और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी था ऊपर से, जो मुझे फ्रीबीज इसके साथ मिल रहे थे, तो आई वॉज लाइक प्रेटी मच कन्विंस्ड कि चलो रीपरचेज कर ही लेती हूँ। है मेबलिन का ये फिट मी ब्लश इन द शेड पैशनेट, यू कैन सी, ये भी मुझे ट्राई करना था, मैंने बहुत लोगों को देखा था बहुत सारी वीडियोज में ट्राई करते हुए। लेट्स अप्लाई दिस, वैसे आई डोंट रियली नीड एनी ब्लश बट इट्स सो प्रिटी, दिस इज लाइक अगर आपको के ब्यूटी वाला ब्लश बहुत ही महंगा लगता है ना, आई कैन से लाइक के ब्यूटी का ये सस्ता वाला ड्यूप है, नॉट सो वेरी सस्ता, बट आफ्टर डिस्काउंट अगर आपको ये मिल जाए, बिकॉज दिस रिटेल्स फॉर 549 or 599, तो अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हो। आई एक्चुअली लव द शेड एज वेल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी यू नो माई स्किन फ्रेंडली शेड, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, बहुत ही सॉफ्ट बटरी सा फॉर्मूला, लाइक जस्ट लाइक के ब्यूटी, मुझे तो ये के ब्यूटी का ड्यूप लगा। तो या मैंने दो रोलॉन्स लिए, रोलॉन्स, ठीक है, एक तो है ये रेक्सोना का, ठीक, आई थिंक दोनों ही रेक्सोना के हैं, आज मैंने इसको लगाया भी हुआ है। दिस इज फ्रेश रोज डिओड्रेंट इवन स्किन टोन 48 आवर ऑर्डर प्रोटेक्शन वाला, सो आई एब्सोल्युटली लव दिस, बिकॉज मैं तो ये वाले, एक तो ये रेक्सोना के, एक जो ये निविया के रोलॉन्स आते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअल में काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू एक्सफोलिएट योर अंडर आर्म्स अगर आप रोल ऑन्स लगा रहे हो तो, क्योंकि रोल ऑन्स का एक बिल्डअप हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर, सो डेफिनेटली अपनी अंडर आर्म्स को हफ्ते में 2 या 3 बार, लाइक ट्वाइस या थ्राइस अ वीक, आपको डेफिनेटली अपनी अंडर आर्म्स को अच्छे से एक्सफोलिएट करना चाहिए। उसके साथ ना आपकी स्किन यू नो ब्रीद कर सकती है अंडर आर्म्स की, ऑर्डर को कंट्रोल करने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा बिल्डअप करते रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लैक होनी शुरू हो जाएंगी। फ्रेश इन द वेरिएंट फ्रेश लिली, ये भी इवन स्किन टोन वाला ही है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो बेसिकली मैंने ये दो रोलॉन्स अंडरआर्म रोलॉन परचेज किए हैं, लेट मी स्मेल दिस एज वेल, सो फ्रेश, वेरी वेरी फ्रेश, बहुत ही फ्रेश है, आई लव यूजिंग दीज रोलॉन्स यू नो। तो ओके, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम एल्फ एंड फ्रॉम मेबलिन। दो मैंने लिप लाइनर्स रीपरचेज किए हैं, एक तो ये वाला ब्राउन शेड में, विच इज़ नॉट अ ब्राउन शेड, पता नहीं ये मिसगाइड किया हुआ है। स्विस ब्यूटी का एक तो बोल्ड मैट लिप लाइनर है इन द शेड डार्क चॉकलेट, दिस इज द शेड डार्क चॉकलेट, विच इज beautiful dark lip liner in the shade brown, but look at this shade, it's not a brown shade, it's a very maroonish rust sa ek shade hai, it's not brown kisi bhi angle se। ye complimentary mile perfumes YSL ke libre and myself wala variant, see। इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों के लिए ये हॉल एंटरटेनिंग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भी हॉल्स आएंगे अगर प्रोडक्ट्स लकीली शिप हो गए जल्दी से,
ठीक है। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।